हाय गाइस, मैं शॉन, तो आप देख रहे हैं टेक्निकल शॉन और इस वीडियो में आपको 3 MI/12 थीम सर्च करने वाला हूँ सभी शॉमी डिवाइस के लिए। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको कुछ नया थीम सर्च करने वाला हूँ जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर आप जाएगा फर्स्ट थीम का गूगल का फोल्डर में तो इसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग आइकन पैक देखने को मिल जाएगा। टूल का फोल्डर में भी आपको सेम टू सेम काफी मिनिमल और क्लासिक थोड़ा आइकन पैक देखने को मिलने वाला है। और अगर आप जाइएगा तो वॉलपेपर भी आपको काफी क्लीन देखने को मिल जा रहा है। और अगर आप देखिएगा इसका कंट्रोल सेंटर तो उसमें भी आपको जो टॉगल्स है ये आपको स्क्वायर टाइप टॉगल्स देखने को मिलेगा। और पर्सनली बोले तो ऐसा कुछ टॉगल्स मेरे को काफी पसंद है क्योंकि उतना ज्यादा हटके अगर आप टॉगल देंगे जो कि आपको खुद समझ में ना आए तो यूज करने में मजा नहीं आता। और अगर आप जाइएगा सर सेटिंग में तो सेटिंग में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा जो कि आपका टॉगल्स जो है ये आपको काफी कलरफुल और काफी यूनिक टाइप का टॉगल्स देखने को मिल रहा है। फॉन्ट भी आपको काफी थोड़ा बहुत बोल्ड देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहिएगा तो उसमें अबाउट फोन में आपको थोड़ा बहुत आइकन जो है ये आपको चेंज कर दिया गया। मैं यूएडल और अपडेटर ऐप बन जाएगा तो वो भी आपको नया टाइप का एक मिनिमल जो थीम करके था उसका आपको वो सेम टू सेम डाल दिया गया है वो अपडेटर ऐप का लोगो। और अगर आप देखिएगा इसका मतलब कि डायलर ऐप में तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, टॉगल डायलर का फॉन्ट और जितने भी कुछ आपको उसमें चेंजेस देखने को मिल जाएगा। आपको मैसेजिंग ऐप पे भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ट्राई करना है तो ये आप सिंपली थीम को सर्च करके ट्राई कर सकते हैं, नाम आपको पता चल जाएगा। और अगर आप देखिए इसका लॉक स्क्रीन में तो वो भी आपको काफी क्लीन और काफी न्यू टाइप का लुक के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। आपका मतलब कि वही राइट साइड से एक अलग से एक चार्ट या अलग सा एक मेन्यू टाइप का निकलता हुआ देखने को मिल जाएगा जो कि आप इससे कुछ भी ऐप्स को टॉगल कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपली डाउनलोड करना है तो मॉड्यूलो V12 सर्च करना, आपको जैसे ही मॉड्यूलो V12 सर्च कीजिएगा तो ये आपको थीम मिल जाएगा। नाम थोड़ा अजीब है बट आप सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मॉड्यूलो V12 इसका थीम का डिजाइनर का नाम है क्रिस्टांटिनो, जो कि आप डायरेक्टली उसको भी सर्च करके डायरेक्टली ये मॉड्यूलो V12 मिल जाएगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम में सभी थीम्स का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप देखिए सेकंड थीम, जो सेकंड थीम मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा, गूगल का फोल्डर में देखिए उसमें जो आइकन पैक है आपको काफी मिनिमल काफी क्लीन देखने को मिल जा रहा है। और अगर आप देखिए टूल का फोल्डर में भी तो उसमें भी आपको सेम टू सेम आइकन पैक देखने को मिल जाएगा। रिसेंट अगर आप जाइए इसका कंट्रोल सेंटर तो उसमें भी आपको नया टाइप का जो MIUI 13 का कॉन्सेप्ट कंट्रोल सेंटर था वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका नीचे जो है वन हैंड यूज के लिए ये कंट्रोल सेंटर मेरे को काफी पसंद है। और इसमें आपको जो कलर है वो आपको चेंज कर दिया गया, पिंक कलर का डाल दिया गया, डिसेबल रहेगा तो ब्राउन हो जाएगा। और अगर आप जाइएगा इसका सेटिंग में तो सेटिंग में भी आपको न्यू टाइप का टॉगल्स देखने को मिल जाएगा जो कि आपका स्टॉक एंड्रॉइड से इंस्पायर्ड है। और आपको मी बनी का जो है हंसता हुआ ये करता हुआ मतलब एक्साइटमेंट के साथ वो आपका वो देखने को मिल जाएगा, उसका इमोजी या स्टिकर आप बोल सकते हैं। अबाउट फोन में जाएगा तो उसमें भी कुछ सेम टू सेम मी बनी का हर जगह ये करता हुआ देखने को मिल जाएगा आपको वो स्टिकर। और अगर आप जाइएगा अबाउट फोन में तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा मी बनी आपको लाइक करने बोल रहा होगा वीडियो को, तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि मी बनी बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली आप मी का फोन चला रहे हैं मी बनी बोल रहा था वो करना चाहिए। और अगर आप देखिए डायलर में भी आपको मी बनी यह करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी क्यूट सा थीम है, मतलब अच्छा थीम है, आपको ट्राई करना चाहिए। अच्छा लगा मेरे को क्योंकि काफ़ी क्लीन और ब्लैक के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा मी बनी। और अगर आप देखिए लॉक्सिन तो लॉक्सिन मेरे को पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें भी आपको मी बनी देखने को मिल जा रहा है जो कि रोबोटिक है, वैसा कुछ मी बनी स्टिकर टाइप रहता तो पर्सनली मेरे को ज़्यादा पसंद आता, बट जो भी आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वॉलपेपर लगेगा, आपको कुछ लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वॉलपेपर जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आ रहा तो उसको आप सिंपली सर्च कर सकते हैं मोड V12.1, उसको सिंपली सर्च कर सकते हैं थीम ऐप में। इसका भी सेम डिजाइनर है क्रिस्टांटिनो, नहीं तो अगर आपको नहीं मिल रहा तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड थीम देखिएगा तो थर्ड थीम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि अगर आप देखिए गूगल का फोल्डर में होम स्क्रीन का आइकन पैक और टूल का फोल्डर में आइकन पैक तो सभी आपको काफ़ी क्लीन और थोड़ा बहुत आपको स्लीक डिज़ाइन के साथ देखने को मिल जाता है। iOS इंस्पायर्ड आइकन पैक थोड़ा बहुत है, तो इसमें अगर आप जाइए तो इसमें आपको कंट्रोल सेंटर में थोड़ा बहुत जो इसका टॉगल से आपको चेंज देखने को मिल जाएगा जो कि आपका फर्स्ट वाला थोड़ा बहुत सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, बस खाली इसमें जो कलर का जो स्कीम है या कॉम्बिनेशन वो आपको अलग देखने को मिलेगा। और अगर आप जाइएगा इसका सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में भी आपको जो है ये आपका iOS इंस्पायर्ड टॉगल्स देखने को मिल जाएगा, सेम टू सेम फॉन्ट देखने को मिलने वाला है। अबाउट फोन में जाइएगा तो इसका आपको जो है वो भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, वो आपका इन्फर्नो या ऐसा कुछ नाम उस आइकन का वो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखिए तो उसमें आपको डायलर का जो लुक है ये आपको न्यू टाइप का देखने को मिलने वाला है। और अगर आप जाइएगा मैसेजिंग का आप तो उसमें भी आपको न्यू टाइप का लुक देखने को मिल जाएगा। तो पर्सनली बोले तो तीनों थीम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ट्राई कर लेना चाहिए एक बार। अब मेरे से इसमें रिसेंट्स में जाता है नहीं, अब मुझे नहीं पता। और अगर आपको सिंपली इसका लॉक स्क्रीन देखिएगा तो काफ़ी
मेरे को लॉक स्क्रीन काफ़ी अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा ये आप बता सकते हैं इसका लॉक स्क्रीन। और अगर आपको वॉलपेपर अच्छा लगा तो उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, थीम पसंद आया, तो S Mod V12 सर्च कीजिए, सबका नाम आपको बता दे रहा हूँ, S Mod V12, और नहीं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, थीम सप्लाई कीजिए और बताइए कैसा लगा। और अगर आप चैनल बनी हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन टैप कर सकते हैं, बेल आइकन को टैप करने के बाद आप कुछ भी प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल बिना सब्सक्राइब करके मत जाइए, अच्छा बात नहीं है। तो चलिए मैं बोलता हूँ कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।